झुंझुनू जिले में बदलते मौसम ने बिगाड़ी लोगों की सेहत। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें। जानिए वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कैलाश राड से क्या है बचाव के उपाय। झुंझुनू जिले में बदलते मौसम ने लोगों की सेहत को बिगाड़ दिया है। जिले के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। सर्दी, जुकाम और बुखार के अलावा शरीर का टूटना आदि शिकायतों के साथ मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं। इस बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आम तौर पर बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम व बुखार का असर 7 दिन से 10 दिन तक रहता है, लेकिन इस बार ये असर 1 महीने तक देखा जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो रोग से लड़ने की क्षमता कोरोना के बाद कम हुई है, इसीलिए रिकवरी में ज़्यादा समय लग रहा है। इस पर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कैलाश राड से बातचीत की गई तो उन्होंने बचाव के उपाय बताए हैं। सर, लगातार ओपीडी बढ़ रही है, सर्दी, जुकाम और बुखार के लगातार पेशेंट आ रहे हैं, क्या कारण है कि इस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, अभी जो बदलता हुआ मौसम है, सर्दी से जो गर्मी की तरफ मौसम का बदलाव आ रहा है, ये इसका सबसे मुख्य कारण है। दूसरा, ये बदलता हुआ मौसम है, जो वायरस और बैक्टीरिया है उनके पनपने के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण बना हुआ है। इस वजह से कुछ तो व्यक्ति हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, दूसरा जो वायरस है वो ज़्यादा पनप रहे हैं, जो उनकी बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से वायरल का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, रिकवरी का जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, उसका क्या कारण है? देखिए, पहले जो ये एक तरीके से वायरल बुखार है, ये सामान्यतः इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, तो इस बार है वो नॉर्मल खांसी जुकाम को जो हम रूटीन ओपीडी में देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, 10 से 12 दिन 14 दिन लग रहे हैं। इसका अपन मुख्य रूप से कारण सोचें तो मतलब मैं कोरोना की जो लहर आई थी उससे कहीं ना कहीं अपने शरीर की इम्यूनिटी और फेफड़ों पे कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ा है। अभी इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन जो मरीज आ रहे हैं, जो उनके ठीक होने की, रिकवर होने की जो टेंडेंसी है और जिन सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस का अपने शरीर की इम्यूनिटी और फेफड़ों पर काफ़ी असर पड़ा है। सावधानी रखें। और दूसरा, जो वायरस का इन्फेक्शन है उसका, जैसे आपको बुखार आती है और खांसी आती है, बदन में दर्द हो, सर में दर्द हो, तो आप तुरंत चिकित्सक की राय लें, उसकी सलाह के अनुसार दवाई लें। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन 21वें दिन भी जारी। मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अभिभाषक संघ चिड़ावा की ओर से अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन 21वें दिन भी जारी रहा। संघ के अध्यक्ष कपिल चाहर की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन जारी है। अभिभाषक संघ का कहना है कि जब तक कानून नहीं लाया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वकील पिछले 21 दिनों से अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर जय सिंह कुल्हार, मूलचंद शर्मा, शीशराम झाझड़िया, नवीन झाझड़िया, सुमेर सिंह धनखड़, शिवम शर्मा, लालचंद गोठवाल, अनिल मान, लोकेश शर्मा, दीपक स्वामी, रमेश आर्य, मनोज लमोरिया, रोबिन शर्मा, अभिषेक मेमिया, सोनू तांबड़ेत, विकास खरेडिया, सुरेंद्र आलूवालिया, राजेंद्र गोयल, रमेश कटेवा, संजय माहिच, सचिन झाझड़िया, मनोज बजाज, सुनीत सोमरा आदि कई मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल इंद्रधनुष का होली स्नेह मिलन का आयोजन, काव्य गोष्ठी का भी हुआ आयोजन। महावीर इंटरनेशनल इंद्रधनुष का होली स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, इसमें काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। शहर के 7 ज्वेलर्स पब्लिक स्कूल परिसर में हुए कार्यक्रम में कवि बीएल सावन, उज्जैन की कवयित्री निशा पंडित, कवि नगेंद्र शर्मा निकुंज, सरिता सिंगल, स्वाति गुप्ता, आरबी सिंह आदि ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की। इस दौरान साहित्यिक हस्तियों का सम्मान किया गया। संगठन के चेयरमैन डॉक्टर एल के शर्मा ने सफल संचालन किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष अजय चौमाल, सज्जन गोदारा, देवानंद चौधरी, अनिल गुप्ता, डॉक्टर कुसुमलता, लता गुप्ता, स्वाति गुप्ता, कुसुम सूरजगढ़िया, सरिता गोदारा, सरिता सिंगल आदि कई मौजूद रहे। संगठन के चेयरमैन डॉक्टर एल के शर्मा ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल इंद्रधनुष के सामाजिक गतिविधियों के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष भर होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 20 में 4 युवकों के खिलाफ मारपीट कर गाड़ी के शीशे तोड़ने का मामला हुआ दर्ज। कोतवाली पुलिस थाने में मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ है। थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 आदर्श नगर निवासी मोहम्मद असरार पुत्र हाजी सबीर ने मामला दर्ज करवाया है कि
सुमित, दीपक, विवेक तथा ललित ने मिलकर प्रार्थी के भाई के साथ मारपीट की तथा गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वहीं कोतवाली पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नयासर निवासी शख्स ने एक व्यक्ति के खिलाफ प्लॉट का अवैध पट्टा बनवाने सहित निर्माण कार्य रुकवाने व मारपीट करने का मामला करवाया दर्ज। कोतवाली पुलिस थाने में अवैध पट्टा बनवाने सहित मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ है। थाना क्षेत्र के नयासर निवासी रजत सिंह पुत्र रणवीर सिंह ने मामला दर्ज करवाया है कि रियासत अली खान ने प्रार्थी के प्लॉट का अवैध पट्टा बनवा रखा है तथा निर्माण कार्य रुकवा दिया और प्रार्थी के साथ मारपीट की। वहीं कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। अलीपुर में अवैध देसी शराब बेचते पाए जाने पर एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। 46 पौवे देसी शराब के किए जब्त। बगड़ पुलिस ने अवैध देसी शराब बेचते पाए जाने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर निवासी राजकुमार पुत्र हेमाराम अवैध रूप से देसी शराब बेचते हुए पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आरोपी के पास से कुल 46 पौवे देसी शराब के जब्त किए गए हैं। सूरजगढ़ बाईपास पर भाजपा नेता विकास भालोटिया के नेतृत्व में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का हुआ जोरदार स्वागत। सूरजगढ़ बाईपास पर भाजपा नेता विकास भालोटिया के नेतृत्व में पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया और सीकर के जिला प्रभारी दिनेश धाबाई का भी जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य सुखबीर मील, श्रवण भालोटिया, सोनू नेहरा, साहिल फोगाट, ट्विंकल पूनिया, श्रवण पंच, मनीष, सुमित, देव बालोटिया, राजेश, योगेश कोठारी, अजय कसवा सहित काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू रोडवेज डिपो प्रदेश के चार बेस्ट डिपो में हुआ शामिल। 130% पहुंचा यात्री भार। जनवरी फरवरी माह की रैंकिंग में झुंझुनू रोडवेज डिपो ने प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह डिपो की स्थापना के बाद पहला मौका है जब झुंझुनू ने प्रदेश के चार शीर्ष डिपो में स्थान बनाया है। इससे पहले झुंझुनू कभी भी चौथे स्थान पर काबिज नहीं हुआ है। पिछले दो महीनों से झुंझुनू डिपो प्रदेश के शीर्ष चार डिपो में बना हुआ है। सबका श्रेय दिया जा रहा है झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश गढ़वाल को। हालांकि मुख्य प्रबंधक ने इसे कर्मचारियों की मेहनत बताया है। प्रदेश में रोडवेज डिपो की खराब स्थिति किसी से छुपी नहीं है। झुंझुनू डिपो की भी स्थिति बेहद खराब हुआ करती थी। यहाँ भी न तो बसें समय पर चल रही थी और न यात्री भार मिल रहा था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में राकेश गढ़वाल को यहाँ का चीफ मैनेजर बनाया गया। जब उन्होंने पद संभाला तो झुंझुनू डिपो प्रदेश में 38वें स्थान पर था। इसके साथ उन्होंने सुधार करना शुरू किया, लगातार मॉनिटरिंग की, बसों के रूट बढ़ाए, दिन रात मेहनत कर डिपो को चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। अभी दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, मेरे आने से पहले झुंझुनू डिपो 38वें नंबर पे था और मेरे आने के बाद में अभी पिछले महीने चौथे नंबर पे राजस्थान में आ गया है। इसमें मैं मेरे सभी कर्मचारी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात अच्छी मेहनत करके ईमानदारी से कार्य किया, जिस वजह से राजस्थान में, पूरे राजस्थान में रोडवेज में चौथे नंबर पे झुंझुनू डिपो आ पाया है और कोशिश रहेगी कि आगे निकट भविष्य में फर्स्ट नंबर पे लाने की पूरी कोशिश करूँगा। नरहड में दो पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने का क्रॉस मामला पिलानी पुलिस थाने में करवाया दर्ज। पिलानी पुलिस थाने में मारपीट का एक क्रॉस मामला दर्ज हुआ है। थाना क्षेत्र के गांव नरहड निवासी मंजीत पुत्र सम्यवीर ने मामला दर्ज करवाया है कि साकित सहित चार नामजद लोगों ने प्रार्थी के साथ मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से गणराज पुत्र युधिष्ठर ने मामला दर्ज करवाया है कि मंजीत वगैरह तीन नामजद लोगों ने एक राय होकर प्रार्थी के साथ मारपीट की व पैसे निकाल लिए। वहीं पिलानी पुलिस ने इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है।